भाई बारिश का जो चुनाव का जो असर है एक बहुत विचित्र है। क्यों विचित्र? इसलिए है कि लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। क्यों? कि दो चीज़ है, राशन लेते लेते जनता जी, और सुविधाएं लेते लेते लोग जोगी का गुणगान तो कर ही रहे हैं। अच्छा, राशन राशन सिर्फ खातिर नहीं, राशन के लिए भी और काम के लिए भी। लेकिन जो बेरोजगार युवा हैं, नौकरी पाने के लिए जो ललायित लोग हैं, बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको दिक्कत है। अच्छा, कि अगर ये समय रहते, वैकेंसी निकलती, लोग एडजस्ट होते जी, तो इनके लोकप्रियता में और चार चांद लग जाता। लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, इसलिए अब इलेक्शन किस दिशा में मुड़ेगा ये समझ से परे है। हाँ, या एक जादू का पिटारा ही माना जाएगा, जो कि खुलने के बाद ही पता चलेगा कि किस करवट बदल रहा है। यही विचित्र लगता है। तो आप कहना चाहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं, घर के बुजुर्ग हैं, वो उनको राशन तो मिल जा रहा है जी, जी। लेकिन जो नौजवान है उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा जी, बिल्कुल रोजगार नहीं मिल, हाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मजदूरों को धंधा नहीं मिल पा रहा है, तमाम कारखानों में भी जो लोग जा करके और ऐसा हो रहा है, इसलिए प्रभाव पड़ेगा। हाँ प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई तो बिल्कुल बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। हाँ, जितना आमदनी चाहिए, आमदनी नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ी है, ठीक ना। इसी वजह से चुनाव एक विचित्र स्थिति में पहुंचा है कि कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्या हो जाएगा। हाँ, यही बात है। क्या नाम है चाचा जी आपका? सुरेश राजभर। अच्छा, राजभर जी तो, ओम प्रकाश राजभर जी तो अखिलेश यादव में चले गए हैं, तो क्या लगता है कि 22 में किसका माहौल है? अरे भाई, हमको तो ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि मतलब टक्कर के बाद भी उनका भारी पड़ रहे हैं। कौन भारी पड़ रहा है? अखिलेश भारी पड़ रहे हैं। हाँ अच्छा, क्योंकि ज़्यादा लोग उधर जा रहे हैं, इधर पिछड़ी जाति के लोग। अरे तो अनिल राजभर जी तो बीजेपी में भी तो हैं। अनिल राजभर तो आज तक राजभरों के बारे में कुछ बात कहे तक नहीं है, केवल उनका ओम प्रकाश का शिकायत कि ओम प्रकाश ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब कभी राजभरों के बारे में कभी बोले हैं? हैं, जब बोले नहीं तो उनका क्या मतलब है? और ओम प्रकाश जी जो पूरा बोलते हैं। हाँ हाँ, तो इसके लिए आप लोग जो है कि अखिलेश यादव जी को। हाँ, अरे कभी आप राजभरों के लिए कोई मांग नहीं उठा पाए, केवल सरकार में रहे, मंत्री रहे और कुछ बोले हैं। हाँ, तो उनके साथ थोड़े राजभर जाएंगे। तो क्या डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर अनिल राजभर अगर भाजपा में हैं और राजभरों का हित अगर चाहते हैं तो वो सपा में आ जाए। नहीं नहीं, सपा में ना आए, वो उसी पार्टी में रहें और इन लोगों के भी हित की बात करें। जैसे 17 जातियों को आरक्षण देने की जो बात हुई थी, उसको क्यों लटकाया गया है, इसका जवाब हमको अनिल राजभर से चाहिए। अगर वो दे सकते हैं तो दें, मीडिया में बोले बोले हैं, कभी राजभरों के बारे में बोले हैं कि नहीं इनको ये चाहिए, केवल ओम प्रकाश ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, केवल शिकायत। पर्सनल शिकायत से क्या होने वाला है? पर्सनल शिकायत से कुछ नहीं होने वाला है। समाज को देखिए, आप जिस समुद्र से आप निकल के मोती बने हैं ना, तो उस समुद्र के पानी को देखिए कि वह पानी की धारा किधर जा रही है, ठीक है। आज अगर OBC में बंटवारा हो जाता आरक्षण का, तो जब BDM का एग्जाम होता तो कुछ बच्चे इसमें के BDM बनते, UPSC का, हाँ उसमें भी होते जी। तमाम कंपटीशन में इनका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन जरूर होता, लेकिन वो चूँकि ये डबल इंजन की सरकार है, ये जब चाहें तब कर सकते हैं। अगर ये 370 खत्म कर सकते हैं तो ये भाजपा में तो क्या नाम से आरक्षण के बंटवारे में क्या है, कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा कोई हटा सकते हैं, इसलिए इनका वोट ग्राफ बहुत बढ़ सकता है। अगर समय रहते ये बंटवारा हो जाता है तो हम समझते हैं कि इसके चुनाव जीतने में चार चांद लग जाएगा, रातों रात लाखों वोट करोड़ों वोट बढ़ेंगे इनके, बिल्कुल भाजपा का, अगर ये दे देते हैं तो। देखिए दोस्तों, ये सुझाव भी है भाजपा के लिए, अगर वो चाहते हैं तो ऐसा काम करें। ऐसा रातों रात हो जाएगा, लाखों करोड़ों वोट बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। चलिए, क्या नाम आपका? रामन यादव। यादव जी, तो बताइए इस बार किसका माहौल लग रहा है? माहौल हम किसका बताएं, माहौल तो सभी लोग
सत्ता के विरोध में रहते हैं, ये देख रहे हैं। हम तो समस्या से हम लोग बहुत परेशान हैं, हर समस्या से। क्या समस्या है? समस्या रोड पर पशु खुलायाम घूम रहे हैं कि क्या फायदा, न खाद मिल रही है, न यूरिया मिल रही, न डाई अभी आज तक नहीं मिली कभी किसी को, खेत बो गए सब। 1200 की खाद सरकार की और 1500 में खरीदी जा रही है, वो भी नहीं मिल रहा है, वो प्राइवेट में भी। उसका लाभ क्या है बताइए आप ही। तो आप तो कह रहे हैं कि जो सत्ता में रहता है उसके विरोध में सभी लोग रहते हैं। विरोध तो होता है, वो तो जगह की बात है, लेकिन जब देखने में भी तो दिखाई दे रहा है, हमको लाभ बताइए। अच्छा, देखने में भी लग रहा है कि जो है विरोध करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखने में नुकसान हमारा दिखाई दे रहा है। बताइए आप भी किसान होंगे, बताइए कि कितना लाभ हो रहा है आपको, हमको पशुओं से, पशुओं से खाद बिना, दवा बिना। देखेंगे आप रोड पर घूम करके देखेंगे तो कितने पशु जो हैं घूम मर रहे हैं और लड़ करके मरे हैं। कट पीट भी जा रहा है उनका, हाथ पैर टूट कट पीट जा रहा है। आप सोचिए खुद है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो महंगाई बढ़ी है कि नहीं इसकी सरकार? महंगाई तो कभी भी बढ़ेगी घटेगी, पर महंगाई को नीचे थोड़ लाना है, उससे ऊपर ही जाना है। अच्छा, जाएगी 100 रुपये बढ़ेगा, 5 रुपया घटा दिए, महंगाई पर रोक लग तो गया। अखिलेश यादव जी कहे हैं कि हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे और बिजली का बिल माफ़ करेंगे। ये कोई नहीं करेगा, कहाँ से करेगा, अपने घर से कोई करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा, इसको बढ़ना ही है, घटना नहीं है। और गरीबी को लोग रोकते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ेगी ही। और चलिए चलिए, आपके हिसाब से ये बताइए कि 10 नंबर में अखिलेश यादव को कितना नंबर देंगे और योगी जी को कितना नंबर देंगे? नंबर की क्या बात है, नंबर तो हम इनको कोई नंबर नहीं दे रहे हैं। योगी जी को? हाँ। अखिलेश को? अखिलेश को कौन सा नंबर दें, अब अखिलेश जब आएंगे तो देखा जाएगा। काम के मामले में अखिलेश जी ने ज़्यादा किया है कि योगी जी ने? अच्छा बताइए, योगी जी ने कौन सा नया काम किया है? प्रोजेक्ट ये विजय मिश्र से अस्पताल का उद्घाटन किए, 4 लेन जो थे बनवाए थे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है। वो तो योगी जी कहते हैं कि हम बनवाए। अरे आपका कैसे कहेंगे कि कितने दिनों का, वो बबलिया तक किए थे, गाजीपुर कर दिए, इतना ही ना किए हैं? हाँ, जल्दी में बनवा दिए होंगे उनके में भी, कब तक बनता कि नहीं बनता ये भी कोई ठीक नहीं है कि बनता कि नहीं बनता। तो काम जब दिखाई देता है तब तो ना समझ में आता है। चलिए, कुछ नौजवान युवक हैं हमारे साथ।